दोस्तों, वाईफाई कॉलिंग के लिए हमेशा हर लोग बोलते हैं कि नहीं यार, अब तो वाईफाई कॉलिंग हो चुकी है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई कॉलिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसको आसानी से करने का तरीका क्या है। यानी कि बस आपको चाहिए आपका ट्रू कॉलर, जो ट्रू कॉलर आप वैसे भी अभी नॉर्मली यूज करते हैं, और अब तो मैं कहता हूँ कि हर किसी बंदे के पास जो है वो ट्रू कॉलर होता ही होता है। लेकिन उससे वाईफाई कॉलिंग यानी कि विदाउट सिम भी आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं किसी से, ये वीडियो पूरी तरीके से उसी पर फोकस है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसको अपने सभी दोस्तों के पास। तो देरी नहीं करते, आइए आपको ट्रू कॉलर पर लेकर चलता हूँ और वहां से बताता हूँ कि विदाउट एनी नेटवर्क होते हुए भी आप वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल तो नहीं पर ऑडियो कॉल कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल की स्क्रीन कर दी है आप सभी लोगों के साथ में शेयर। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ आपको स्क्रीन में जो मैंने आपकी वहां पर भी हाईलाइट कर दिया है, वहां पर एरोप्लेन जो है मोड मैंने वो एक्टिवेट किया हुआ है और अपने फोन को एक वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, वाईफाई से आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आप वाईफाई कॉलिंग कर पाएंगे। बस ये एरोप्लेन मोड में इसमें लिए मैंने आपको ये यहाँ पर डाल दिया है, जैसे कि आपको ये रहे कि हाँ भाई यार, ये बंदे के पास में नेटवर्क नहीं है। और जो मैं कॉलिंग आपको करके दिखाऊंगा अभी दूसरे फोन पर लाइव आपको दिखाऊंगा, वो वाईफाई कॉलिंग ही होने वाली है। तो यहाँ कहाँ काम करेगा, जैसे आप कहीं लेह लद्दाख चले गए, कश्मीर चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, पर वहां कोई किसी और दोस्त के पास में नेटवर्क है या कहीं वाईफाई या होटल में नेटवर्क है, तो वहां आप होटल से नेटवर्क कनेक्ट करके वाईफाई से आप वाईफाई कॉलिंग करके अपने दोस्तों या अपने प्रियजनों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट ट्रू कॉलर पर चलते हैं और आपको लाइव दिखा देता हूं। तो ट्रू कॉलर आपके सामने है, मैं यहां से जैसे इसको ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद में आपके इंटरफेस खुल जाएगा। मैं यहां पर अपना ही फोन नंबर जो है वो डायल करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ओपन कर लिया तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे नंबर डिटेल्स जो है वो आ चुके हैं, ऑप्शन आ चुके हैं कॉल का, मैसेज का, वॉइस, फ्लैश और ब्लॉक का। तो आप देखा दोस्तों, यहां पर जो बीच का ऑप्शन है, ये वॉइस का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वॉइस जो है यही वाईफाई कॉलिंग है जो आप ट्रू कॉलर के थ्रू जिसको आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वॉइस के बटन पर आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपकी कॉलिंग चली जाएगी। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूं, दूसरा फोन मैंने लिया हुआ है। तो चलिए अपने दूसरे फोन को भी हाथ में ले लेते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं इस वॉइस के बटन को क्लिक कर रहा हूं। वॉइस क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फोन जो है वो रिंगिंग दिखा रहा है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी मैं आपको सुनवा देता हूं। तो ये आवाज भी आप देख सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं दूसरे फोन पर मेरी बेल जो है वो आ चुकी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे फोन से उठा लेते हैं। तो मैंने यहां पर फोन उठा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन उठ चुका और मैं यहाँ से बोल भी देता हूँ। हेलो 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 हेलो। अब इस फोन में आपको आवाज सुनवा देता हूँ। हेलो हेलो। तो दोस्तों, इस स्पीकर में प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन आप दोनों स्क्रीन जो है, मैं आप दोनों स्क्रीन देख सकते हैं। ये एक लाइव स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पर है और एक लाइव स्क्रीन की यहाँ पर भी जो कॉल है वो ऑलरेडी आई हुई है। तो बड़ा सा आसान सा फीचर था दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि भैया वाईफाई कॉलिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल और डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं इधर से डिस्कनेक्ट किया, इधर से भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसको कर देते हैं बंद और आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। तो दोस्तों, बड़ा छोटा सा प्रोसीजर था, अगर सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं कहता हूं कि आप कुछ भी सीखिए, वाईफाई कॉलिंग सीखना इसलिए जरूरी है कि कल कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, हमें मतलब कॉल करनी पड़ जाती है और नेटवर्क नहीं होता है, तो उस सूरत में हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट किसी से भी कर सकते हैं। तो ये वाईफाई जो कॉलिंग है, ये मैंने आपको ट्रू कॉलर के हिसाब से बताई है। दूसरी वाईफाई कॉलिंग्स भी आते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में है, लेकिन मैं सही बताऊं तो आपको जो जाना चाहिए वो ट्रू कॉलर पे जाना चाहिए, क्योंकि ट्रू कॉलर फिर भी अब हर एक फोन के अंदर होता है, उसको आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मुझे बताएगा जरूर, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे उनको भी पता लग जाए कि भाई वाईफाई कॉलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।